आप लोगों को टेक बर्नर का जो ब्रांड है लेयर्स, इसकी स्किन्स नहीं खरीदनी चाहिए। एंड ये स्टेटमेंट मैं कोई क्लिक बेट या कॉन्ट्रोवर्सी के लिए नहीं कह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को लेयर्स की स्किन्स अभी अवॉइड करनी चाहिए एंड इसके जगह आप लोगों को रैप कार्ड जैसे बजट फ्रेंडली वेल नोन ब्रांड्स की तरफ फोकस करना चाहिए। अब बात करें कि आप लोगों को क्यों खरीदनी चाहिए, बट बिफोर दैट लेट्स रोल आउट दैट इंट्रो। हे गाइस, मेरा नाम है पुरु अरोड़ा एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो इस टाइम यहाँ पे मेरे पास दो कंपनीज की स्किन्स हैं, एक तो है लेयर्स और एक है रैप कार्ड। ये दोनों ही बजट फ्रेंडली हैं। ये 500 रुपए की स्किन आई थी लेयर्स की एंड ये रैप कार्ड की जो है मुझे 300 रुपए की स्किन पड़ी थी। तो अब देखते हैं दोनों स्किन्स का क्या फ़र्क है। तो इस लेयर्स के बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो एक क्लीनिंग क्लॉथ, ओके, एक वेलकम नोट आता है इनकी तरफ से एंड ये क्या है, ओके, दिस इज इंस्ट्रक्शंस, ओके, इंस्ट्रक्शंस एंड QR कोड भी गिवन है ट्यूटोरियल के लिए, दैट इज़ नाइस, ये हम चेक करेंगे अभी। एंड ये फाइनली आती है स्किन। तो ये स्किन देखने में तो ये स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है एंड इट्स लाइक टेक्सचर्ड, तो लुक वाइज इट्स एंड क्वालिटी वाइज इट लुक्स रियली गुड। अब ब्रैक कार्ड की स्किन्स भी हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन वीडियो देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आते हैं दो स्किन्स, ओके, हाँ दो स्किन्स जो मैंने मंगाई थी। आई एम सरप्राइज्ड इन्होंने कुछ क्लीनिंग के लिए नहीं प्रोवाइड किया, लेट मी चेक, ओके यस प्रोवाइडेड है क्लीनिंग के लिए, दो वाइप्स प्रोवाइडेड है यहाँ पे। एंड ये वाली जो स्किन है ये मुझे पड़ी थी 300 की एंड ये वाली मुझे पड़ी थी 250 की एंड ये वाली 500 की। तो फाइनली देखते हैं कि तीनों में कितना फ़र्क है। एक फ़नी चीज़ ये है, दोनों 3M के हैं, तो देखते हैं कि दोनों में कितना फ़र्क है एंड कैसी क्वालिटी है दोनों ब्रांड्स की। अब मैं आप लोगों को क्यों मना कर रहा हूँ वो लेयर्स की आपको स्किन्स नहीं खरीदनी चाहिए, वो है इसका ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस। मैंने 30th सितंबर को एक प्रीपेड ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड मुझे 1st अक्टूबर को मैसेज आ गया कि मेरा ऑर्डर जो है 7th को मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने 7 तक वेट किया एंड 7 को मैंने चेक किया, मेरे ऑर्डर का कोई अपडेट ही नहीं था, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वहीं पर ही था। तो ये देखे मैंने लेयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इनकी वेबसाइट पे चैट बॉट है उससे बात करने की कोशिश करी, वो एकदम यूजलेस है। फिर मैंने कांटेक्ट फॉर्म है वो रेज किया एंड उस पर तो 2-3 दिनों में हम रिप्लाई कर देंगे, एक हफ्ता वेट करा उसका रिप्लाई तक नहीं आया। फिर मैंने ट्विटर पे जाके श्लोक यानी टेक बर्नर और लेयर्स के पेज दोनों को टैग करके ट्वीट किया कि भाई मेरा प्रीपेड ऑर्डर है, मुझे अभी तक कुछ स्टेटस नहीं आया, मतलब उसके बारे में कुछ करो। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ मैसेज वगैरह आएगा या ट्वीट पे कुछ रिप्लाई करेंगे, कुछ रिप्लाई तक नहीं आया अभी तक उस ट्वीट पे, इन दोनों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अल्टीमेटली जब मैं थक गया वेट कर करके कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, ऑब्वियसली मैंने पैसे दिए हुए थे तो इट्स अ बिट ऑफ वरिंग सिचुएशन कि पैसे दिए हुए मेरे ऑर्डर का कोई अपडेट ही नहीं है। फाइनली मैंने अपनी बिजनेस ईमेल आईडी यूज़ करी एंड इनके जो ईमेल आईडी है लेयर्स की बिजनेस वाली उसको मेल करा कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे भी वीडियो बनाना है एंड मैं दूसरे ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहा हूँ एंड मुझे आपका प्रोडक्ट उसके लिए चाहिए, मैंने आपका इतने दिनों से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आया एंड अगर आप लोग मुझे कोई अपडेट दे रहे हो विद इन कपल ऑफ डेज तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने वीडियो में यही बताऊंगा कि भाई मैंने आपसे ऑर्डर किया था एंड आपने ऑर्डर शिप तक ही नहीं किया। एंड जैसे ही मैंने ये मेल भेजी लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने ये ऑर्डर शिप कर दिया। एंड अब ये बात देखो, अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हो आपके पास ऑब्वियसली ऐसी बिजनेस ईमेल्स वाली चीज़ नहीं होगी एंड आप यूट्यूब का प्रेशर नहीं डाल सकते, तो इसी रीज़न के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी इस ब्रांड से मत खरीदो। अभी ये बहुत ही नया ब्रांड है, इनका अभी सिस्टम सेट नहीं हुआ है, साथ में इनकी कस्टमर केयर एकदम घटिया, एकदम घटिया है, आप लोगों को अभी इससे नहीं खरीदना चाहिए। इंस्टेड आप लोगों को रैप कार्ड जैसे ब्रांड्स की तरफ फोकस करना चाहिए इस मोमेंट पे। अब स्किन्स लगाने से पहले इन दोनों ब्रांड्स के ट्यूटोरियल वीडियोस चेक करते हैं, देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली कितना इजी है एंड रियलिटी में कैसा रहता है स्किन्स लगाना एंड साथ ही में हम चेक करेंगे क्या आज हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो लेट्स वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले है रैप कार्ड का वीडियो, तो देखते हैं रैप कार्ड के अकॉर्डिंगली कितना ईजी है इनकी स्किन लगाना। तो रैप कार्ड के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी
बिकॉज जो स्किन है ये साइड पे फोल्ड हो रही है, तो इनके अकॉर्डिंग आप लोगों को हीट की ज़रूरत पड़ सकती है. सो इट्स नाइस दैट आई हैव इट विद मी. ओके एंड हब हम चेक करते हैं लेयर्स की. सो दिस इज़ नाइस. इनकी जो स्किन है बहुत ही सिंपल है. आप लोगों को सिंपली जस्ट पेस्ट करना है. हीट हेयर ड्राई और हीट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दोनों ब्रांड्स के ट्यूटोरियल देखने के बाद लेयर्स की जो स्किन है ये लगाना ज़्यादा ईजी लग रहा है, बिकॉज इसमें कोई हीट नहीं इन्वॉल्व. एंड ये जो रैप कार्ड की स्किन है ये साइड से फ़ोन के एजेस पे फोल्ड होती है, तो इसलिए इसमें हीट इन्वॉल्व है. तो ईज ऑफ अप्लाई में तो लेयर्स जो है थोड़ी बेटर है. तो अब चलो स्किन्स लगाते हैं. सो इट्स बिन 2 days नाउ एंड मैंने दोनों स्किन्स के साथ एक एक दिन गुजारा एंड मेरे अकॉर्डिंगली इन दोनों की क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है, इफ़ नॉट द सेम. एंड मुझे तो लग रहा है कि दोनों स्किन्स नियरली सेम सी ही हैं. एंड क्वालिटी के मामले में आई कैन एश्योर दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया क्वालिटी की है. एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि जो लेयर्स की स्किन है ना ये सिर्फ पैक को कवर करती है, एजेस को कवर नहीं करती. रैप कार्ड की जो स्किन है ये एजेस को भी कवर करती है. तो अगर आपका फ़ोन कर्व्ड एजेस वाला है ना तो आपके लिए जो लेयर्स की स्किन है थोड़ी एब्रप्ट सी फिनिश वाली लगेगी. एंड रैप कार्ड की स्किन आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए. बट अगर आपका फ़ोन जो है आईफोन जैसा बॉक्सी डिज़ाइन है तो लेयर्स डेफिनेटली बहुत बेटर लगेगी आपके फ़ोन के ऊपर. एंड प्रिसीजन की बात करूँ, प्रिसीजन के मामले में दोनों बहुत ही अच्छे हैं, दोनों एकदम परफेक्ट फिट आते हैं. एक अब जो चीज़ आती है ना लोगों को कंसर्न रहता है स्किन के साथ कि वो ड्यूरेबल कितनी, गंदे कितने जल्दी हो जाएंगे, तो दोनों काफ़ी अच्छी हैं. अगर आप डर्टी हैंड्स या ऑयली हैंड्स के साथ यूज़ कर रहे हो ना तो आप सिंपली एक कपड़ा लो, उसे वेट करके इजीली वाइप कर सकते हो, तो इजीली क्लीन हो जाती है. तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि स्किन्स बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाएंगी. एंड दूसरी चीज़ जो आती है, जब आप स्किन्स को उतारते हो तो क्या कोई रेजिड्यू रहता है? तो अगर आप इन दोनों स्किन्स को उतारोगे तो कोई रेजिड्यू नहीं रहता. अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो आप उसे इजीली कपड़े से वाइप कर दो तो वो क्लीन हो जाता है. ऐसा कुछ वो गंदा सा रेजिड्यू वाला पैच नहीं बन जाता जो कि क्लीन नहीं होता. तो क्वालिटी के मामले में मैं यही कहूँगा कि दोनों स्किन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं. एंड अगर अब आप स्किन्स खरीदना चाहते हो ना तो मैं आप लोगों को रैप कार्ड ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, बिकॉज रैप कार्ड की स्किन्स आपको पड़ेंगी 300 रुपये की, जबकि आपको लेयर्स की स्किन पड़ेंगी 500 रुपये की. एंड क्वालिटी में दोनों की कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो हाँ, अगर आप टेक बर्नर को सपोर्ट करना चाहते हो तो गो अहेड, आपको लेयर्स की स्किन खरीदनी चाहिए. बट अगर आप बेस्ट फॉर द बजट देख रहे हो तो आप लोगों को रैप कार्ड की तरफ फोकस करना चाहिए. एंड अगर अब आप रैप कार्ड से स्किन खरीदना चाहते हो ना तो आप लोग कूपन कोड पुरू यूज़ कर सकते हो, तो गेट 50 रुपीज़ ऑफ ऑन योर ऑर्डर. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.